Hello students, good afternoon all. Good afternoon, sir. Good afternoon, guys. Ayush? तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने कहां तक हो गया था थ्योरी एक मिनट सर मैं नोट्स खोल के देखता हूं सर वी सॉल्व क्लास इलस्ट्रेशन क्वेश्चन ओके ओके स्टीफन्स लॉ स्टूडेंट्स स्टीफन्स लॉ वी हैव डन ना यस सर वी डिड सोलर कांस्टेंट एंड देन वी डिड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यस सर Yes, sir, you start with Newton's law of cooling. Okay, Newton's law of cooling
बाकी है राइट राइट करेक्ट करेक्ट हाँ ओके गाइस तो ठीक है तो फर्स्ट जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बिफोर वी स्टडी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लेट अस प्रिपेयर बैकग्राउंड क्यों पढ़ रहे हैं तो उसके पहले जो है एक छोटा एग्जांपल्स करते हैं हाँ लेट्स से यू हैव अ बॉडी तो सपोज यू हैव अ बॉडी एंड और लेट्स से वी आर has a temperature of say, some 700 Kelvin. It has initial temperature some 700 Kelvin or say this is time equal to zero or surrounding ka temperature is say 300 Kelvin. So yahan par jo hai, yahan pe kya hoga? In this case, emission is more, absorption is less. So the body will eventually kya hoga? Cool down. This is at any time t, and say this is time equal to t naught, and at this time, say the temperature of the body is 400 Kelvin. Say the body ka temperature fall ho raha hai from 700 Kelvin to 400 Kelvin. Baaki sab data given hai. Uska mass and specific distance. Huh? And if they ask you to find time t naught, this time t naught. So how will you approach again? Iske liye jo you will start with Stefan's law. So you will at every instant, what is changing? Temperature of the body is changing. Say the temperature at this time is t. Or is situation mein jo hai, from this data we can kya hoga? Emission is more, absorption is less. Two out. So there will be loss, dq loss by dt. Kya ho jayega? Sigma Ea, temperature of the body to the power 4 minus temperature of the surrounding, the power 4. Theek hai, Stefan's law will apply. Aur isko aap kya likhoge? Ms dt by dt. Sigma Ea t to power 4 minus 300 to power 4. Phir usko you will solve. माइनस एम एस बाई सिग्मा ई ए और टेम्परेचर वाले टर्म्स एक तरफ हाँ डी टी अपॉन टी टू पावर फोर माइनस 300 टू पावर फोर दिस इज डी टी नाउ विल इंटीग्रेट विल से व्हेन टाइम इज जीरो इनिशियल टेम्परेचर वाज हाउ मच 700 केल्विन एट एनी एट टाइम टी नॉट द टेम्परेचर इज 400 केल्विन ठीक है So this is how you will approach. But लेकिन they cannot ask you this question because ये इसमें जो है physics का part तो यहीं तक है. लेकिन इसके आगे का maths का part काफी complex हो जाता है. See ये वाला integration t to power 4 minus 300 to power 4. Yes, Even if you study 12th का maths then also जो है इसका integrate करना जो है मुश्किल होगा. ठीक है. So not feasible. So values इतना high नहीं देंगे ना? ये वाला ऐसा नहीं देंगे. ओके सर फिर भी कॉपी दिस सम इसका दूसरा टाइप का सम कैसे आ सकता है दैट दिस इज सर मतलब ऐसे टाइप के सम्स नहीं आएंगे यस बिकॉज़ कैलकुलेशन यहां फिजिबल नहीं है अब देखो उसमें दूसरा कैसे पूछ सकते हैं आई विल एक्सप्लेन सो कॉपी करो जल्दी एंड सर आपने माइनस इसलिए लिखा क्योंकि लॉस है ना यस करेक्ट ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस सर से वापस जो है माइनस क्यू नेगेटिव साइन क्यू डाला उधर ओ बिकॉज़ द बॉडी इज बॉडी पे नेट लॉस है बिकॉज़ एमिशन इज मोर एब्जॉर्प्शन इज सर ये कौन सी इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है नहीं इलस्ट्रेशन नहीं जस्ट एग्जांपल एग्जांपल यू हैव सर ऐसे ही क्वेश्चन देके बस कैलकुलेशन बदल के दे सकते हैं क्या हां नहीं ये कैलकुलेशन इसमें फिजिबल नहीं है इसलिए ये वाला क्वेश्चन जो है नहीं आएगा क्योंकि यहां का इंटीग्रेशन काफी टफ हो जा रहा है तो मैथ्स में भी टफ हो जाएगा इंटीग्रेशन के वाला तो स्मॉल चेंज इन टेंपरेचर के लिए तो हो सकता है ना नहीं नहीं अभी तो पहले ये वाला करो हां फिर आई विल डिस्कस एवरीथिंग कॉपीड सर कॉपी पहले ये वाला समझ में नोटेड सर नोटेड डन डन सर 2 मिनट्स सर 2 मिनट्स सर 2 मिनट्स सर लेट अस कॉल दिस एज एग्जांपल 1 सर आज मैं एग्जांपल सर एक बार एक्सप्लेन करेंगे सर कि ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है हां यस एक बार एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या था मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे को नहीं समझ में बॉडी का इनिशियल टेंपरेचर 700 यस सर फाइनल टेंपरेचर इज 400 पूरा यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम कितना ओके
और सराउंडिंग का टेंपरेचर 300 के अच्छा अच्छा अंडरस्टूड सर थैंक यू सर चलो आई विल रेज दिस वन इफ एवरीबॉडी हैज यस सर यस सर आयुष टेक अ स्क्रीनशॉट यस सर आई हैव टेकन इट चलो अब आई विल टेक चेंज दिस एग्जांपल लेट अस कॉल दिस एज एग्जांपल 2 अब इसको मैंने हाइपोथेटिकली सराउंडिंग का टेंपरेचर को 0 केल्विन कर दिया सो इस प्रॉब्लम में क्या चेंजेस आएंगे सराउंडिंग का टेंपरेचर को 0 केल्विन किया है सर हमने 300 की जगह पर 0 आ जाएगा ये वाला जो है हां सो ये वाला टर्म जो है 0 हो जाएगा सराउंडिंग का 0 है भाई हां अब ये जो है इंटीग्रेशन पॉसिबल ये ना इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ t2 पावर -4 का इंटीग्रेशन t2 पावर -4 का इंटीग्रेशन इज t2 पावर -3/-3 यस सो अब देखो यहां पर ms/σea एक माइनस साइन था और t2 पावर -4 का इंटीग्रेशन -3/-3 आया तो वो माइनस हटा देते ये माइनस साइन और ये -3 और लिमिट्स यू हैव 700 केल्विन 400 केल्विन और ये टाइम t0 ठीक है माइनस माइनस तो गया यहाँ से ms/σea तो ये क्या जाएगा 3 बाहर निकाल लो भाई ms/σea एंड 3 वी हैव टेकन आउट तो दिस बिकम्स क्या हो जाएगा 1/400³ - 1/700 ये t0 ये वाला इस फॉर्म में देखें ठीक है ऑप्शंस में ऐसा हो सकता है ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड यस चलो ठीक है सो दिस विल बी अ जनरल फार्मूला फार्मूला नहीं ये तो अप्रोच है इसके लिए ऐसे सॉल्व करने की हां अच्छा ठीक सर 0 केल्विन तो सर सम्स में वो लोग सराउंडिंग का टेंपरेचर जानबूझ के 0 देता है कभी कैलकुलेशन इजी हो करेक्ट 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 हां कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये अगर कि देखो यहाँ पे टेम्परेचर चेंजेस इज टेम्परेचर चेंजेस वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग सी टेम्परेचर चेंज कितने का है यहाँ पर 300 केल्विन और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज आल्सो 300 केल्विन सो सी हियर टेम्परेचर चेंज सर टेम्परेचर सराउंडिंग 0 केल्विन है ना नहीं अगर मान लो जो है इसके पहले वाले प्रॉब्लम में देखते हैं हाँ टेम्परेचर भी ठीक है यहाँ पे 0 केल्विन है इसके पहले वाले प्रॉब्लम में भी 300 और वो जैसे अभी एग्जांपल 1 हाँ पहले वाले में था हाँ यस एग्जांपल 1 में डेल्टा डी 300 केल्विन और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग जो है वो 300 केल्विन एग्जांपल 2 डेल्टा टी जो है यहाँ पर 300 केल्विन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज तो टेम्परेचर चेंज काफी ज्यादा है ना टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के कंपैरिजन में मतलब तो इक्वली है ज्यादा ज्यादा भी नहीं कंपेरेबल तो है ही ना यस सर बड़ा है बट अब जो है हमें प्रॉब्लम जो करना है सपोज सो वी वांट टू डिस्कस से रूम में जो है एक चाय का कप पड़ा हुआ है तो चाय ठंडी हो रही है से चाय का इनिशियल टेम्परेचर था 70 डिग्री सेंटीग्रेड 70 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड में जा रहा है तो टेम्परेचर का फॉल कितना हुआ 70 से 60 में 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 डिग्री केल्विन और सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 डिग्रीज है मान लो विच इज 300 केल्विन 27 डिग्रीज 300 केल्विन तो जैसे कैन आई रेज दिस सम यस सर नो या सर यस सर यू नो अब देखो हमें तो वी वांट टू स्टडी दिस सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड और वो जा रहा है 60 से फॉल हो रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 227 डिग्री सेंटीग्रेड अब ये वाला कितना हो जाएगा इसमें ये T2 इनिशियल T फाइनल और ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज सेम है 300 केल्विन और इसको क्या लिखोगे यार ये ऐसे भी डिफरेंस लेना है हमें डिफरेंस देखना है अगर एक्चुअल लिखना चाहते हैं तो भी लिख लेते हैं चलो कितना होगा ये वाला 313 और ये कितना हो जाएगा नहीं ये कितना हो जाएगा 333 सर 333 हो जाएगा और ये वाला 323 323 323
इस प्रॉब्लम में देखो भाई, डेल्टा डी आइदर इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, 10 का है, 10 केल्विन या 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग 300 केल्विन। देखो यहाँ पर टेम्परेचर नेगेटिव 10 के, टेम्परेचर का चेंज स्मॉल है ना। ओके सर। यस सर। टेम्परेचर का चेंज छोटा है, अब यहाँ पे कंपेरेबल था, यहाँ बड़ा था, यहाँ पे छोटा चेंज है। तो ऐसे ऐसे वाले प्रॉब्लम्स को करने के लिए, ऐसे वाले प्रॉब्लम्स को करने के लिए ठीक है, वी आर स्टडीइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सर मैं नहीं समझा कंपेयर, किधर कंपेरेबल है किधर नहीं। अरे भाई ये 300 है, 300 है। हाँ यार मुझे वो लगा नीचे वाले एग्जांपल की बात कर रहे, जीरो वाला। यहाँ पे तो बड़ा ही हो गया। एग्जाम्पल वन और ये ऊपर वाले कंपेयर कर रहे, मतलब नीचे वाला जो है कंपेरेबल, ऊपर वाला कंपेरेबल नहीं है। यहाँ पे तो बड़ा ही हो गया ये वाला। हम जो है जब छोटे चेंजेस हैं तो भाई इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे यहाँ रखोगे ना यार इसको नॉर्मल इक्वेशन में क्या आ जाएगा, थ्री, ये कितना आ जाएगा ये वाला 33 और ये वाला 323, ऐसा आएगा ना टर्म। Yes, sir. T23, ये वाला 323, T33, फिर इसको सॉल्व करने के लिए देखो ये काफी छोटा हो गया ना, ये वाला जो सर पर डेल्टा एस जीरो नहीं है ना, डेल्टा एस जीरो। हां सर टीएस जीरो थोड़ी है। हां सर टीएस जीरो नहीं है, टीएस जीरो कांसेप्ट 300 टीएस। हां ये जीरो भी नहीं इसमें तो यार। हां और मतलब वैसा दूसरा फॉर्म आ जाएगा ना यार सॉल्व करने के लिए, तो ये तो हमने ठीक है जीरो वाला ले लिया, लेकिन वैसे भी ऐसे भी देखोगे तो क्या आएगा, टेम्परेचर चेंजेस बहुत छोटे आएंगे ना, उसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा एप्रोक्सीमेशन लगेंगे। तो इसलिए हम जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अभी एक लॉ डिराइव करेंगे जो है, इट्स एन एप्रोक्सीमेशन ऑफ स्टीफन्स लॉ टू डील दिस काइंड ऑफ सम्स। सो यस, हां तो अभी हम ऐसा मेथड डिराइव कर रहे हैं जो इसको सॉल्व करने में इजी लगेगा। यस हां, एंड उसको डिराइव इसी से करेंगे, स्टीफन्स लॉ से इसी से ही डिराइव करेंगे स्टीफन्स लॉ से। ओके सर, ओके सर। चलो रीकनेक्टिंग आ गया था सर, आप वापस बताएंगे कि आपने डेल्टा टी से एग्जैक्टली बताया क्या है, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2। देखो बस ये बताया कि भाई पहले दो सम्स में ना डेल्टा टी जो है एक अच्छा बड़ा सिग्निफिकेंट क्वांटिटी है ना, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इधर कंपेरेबल है या बड़ा, यहां पे तो बड़ा ही आ गया है ना। yes, लेकिन इस टाइप के प्रॉब्लम में डेल्टा टी छोटा है। सर मतलब छोटे डेल्टा टी ले इन कंपैरिजन टू सराउंडिंग वी आर स्टडीइंग न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। ओके सर। हां जब छोटा चेंजेस होगा उसमें एप्रोक्सीमेशन करना पड़ जाएगा, इसलिए जो है हमें न्यूटन्स ने उन्होंने जो है स्टीफन्स लॉ से लॉ डिराइव करके दिया भाई वाला। चलो तो आई विल ठीक है ये वाला। हां सो उसके पहले सर फर्स्ट लेट अस राइट द लॉ। ठीक है सर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बाद और कोई कंटेंट बचा है हीट ट्रांसफर में? अरे यहां ध्यान दो आप जो है। अच्छा सर, ये आएगा रेट ऑफ, ये प्रूफ, हां स्टेटमेंट है भाई, रेट ऑफ हीट लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस स्टीफन्स लॉ से कितना आता है रेट ऑफ हीट लॉस? सिग्मा ई ए टी 4 टी टू पावर 4 माइनस टी एस टी टू पावर 4। यहाँ पे प्रूफ करना है कि रेट ऑफ हीट लॉस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, ये प्रूफ करेंगे अपन स्टीफन्स लॉ से ही प्रूफ करेंगे अप्रोक्सीमेशन से, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये टी नॉट क्या है यहाँ पर? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। टी नॉट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टी नॉट इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब टी क्या है वहां पर? temperature of body, temperature of body, T is temperature of body, तो ये प्रूफ करना है temperature of body। so that means we want to prove dq by dt loss proportional है, तो वही proportionality constant होगा भाई है ना। so let us call this proportionality constant as sum k times t minus t1। ठीक है, तो इधर इन दिस फॉर्म स्टेटमेंट वन, इस फॉर्म में पढ़ना है या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं,
स्टेटमेंट टू भाई लॉस, अगर बॉडी से हीट लॉस हुआ तो उसका टेम्परेचर गिरेगा, डी क्यू लॉस को क्या लिखते थे हम? माइनस एम एस डी टी बाई डी टी, तो इसको आप लिखोगे माइनस एम एस डी टी बाई डी टी, कैपिटल डी, कैपिटल डी यहाँ पे टेम्परेचर, स्मॉल डी टाइम, स्मॉल डी टाइम, ऐसा हो जाएगा। ये किसी बॉडी के लिए के और एम एस कॉन्स्टेंट, तो डी टी बाई डी टी नीचे उतार लेते हैं इसको, के बाई एम एस। एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए ये कांस्टेंट होगा भाई, ये वाला, तो इसको लिख लेते हैं भाई ऐसा, इसको हम लिख लेते हैं डी टी बाई डी टी माइनस सी टाइम्स टी माइनस टी नोट। तो इससे आई वांट टू राइट स्टेटमेंट टू एस सर। यस, इस कांस्टेंट का कोई नाम है जो आपने सर्कल किया ऊपर? नहीं नहीं, इट कैन नॉट, इट इज नॉट अ यूनिवर्सली यूनिवर्सल कांस्टेंट, वेरीज फ्रॉम बॉडी टू बॉडी। अच्छा ना, तो इसको क्या लिखेंगे, रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर डिफरेंस। सो यस सर, यस, dT / dT इज इक्वल टू माइनस c टाइम्स, इसको c बोल रहा हूं यार, यार वेरीज फ्रॉम बॉडी टू बॉडी, तो पहले हमने डिस्कस किया व्हाई वी आर स्टडीइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, फिर न्यूटन्स लॉ का स्टेटमेंट ये है, प्रूफ करेंगे ये वाला, लॉस इज प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस, ऐसे लिखना है, ऐसे कर सकते हो, या फिर यू कैन ऑल्सो इंटरप्रेट दिस लॉ एज रेट ऑफ लॉस इज प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस और रेट ऑफ कूलिंग इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, अब ये जो है, हाँ ये वाला, और ये कब होगा, जब कब, when delta d, delta d is small as compared to temperature of the body, temperature of the surrounding, temperature of the surrounding, ठीक है ना, तो इसको ये इस केस के लिए हमें प्रूफ करना है अभी। चलो भाई, ये समझ में आया क्या, why we are studying this law and what is the law statement? Yes, यहाँ तक किसी को डाउट? Why and the statements? Sir, तो इसका तो इस लॉ का मेन पर्पस बेसिकली इज टू मेजर द रेट ऑफ कूलिंग, राइट, एंड हीट लॉस। नहीं नहीं, जब छोटे छोटे, जब छोटे टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं, तो इस केस में अगर बॉडी यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, इस टाइप के सिचुएशंस को हम टू मेजर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस ऑल थ्रू आउट, यस, टेम्परेचर चेंजेस इज स्मॉल एज कंपेयर्ड टू टेम्परेचर सराउंडिंग, उस केस में एनालिसिस के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज करेंगे। ओके सर, डन सर। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर सेम? यस, स्टेटमेंट 1 से स्टेटमेंट 2 आया, करेक्ट सर। वो कूलिंग दे, इसलिए नेगेटिव साइन आया क्या नीचे? यस, हां, टेंपरेचर चेंज भाई, टेंपरेचर फॉल होगा, गिरेगा, इसलिए नेगेटिव साइन। ओके सर, ये एवरीबॉडी फाइनल आंसर तो इंटीग्रेशन से ही निकालना पड़ेगा ना, dt और बाय d स्मॉल dt का ना। अब तो मेरे को पहले तो लॉ समझाया, स्टेटमेंट समझाया, अब तो मैं वर्किंग समझाऊंगा ना, रुको अभी। हां हां सर, सॉरी सर, सॉरी। Ajia, understood this one? Kisi ko doubt? Please tell. No sir, understood. Okay, got it. Samad, kya ho gaya? Okay. Stephen's law se hi, yes. Haan, usi se hi karenge. Ujjo, approve karenge na, pehle statement usi ko. Aap jo hai. Now, abhi ek bache ne jo student ne pucha tha, uska answer aage ke. Usko solve kaise karenge? To bhai, ab isme jo hai, तो सॉल्व करने के लिए जो है इसमें जो है, हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व इन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, आई विल आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट। भाई अब इसमें जो है यू लुक एट द ऑप्शंस, ठीक है, तो अगर मान लो ऑप्शन ऑप्शंस जो है, जो चार ऑप्शंस हैं, इन लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म, तो लेट अस कॉल इसको जो है मेथड वन, इसको मेथड वन कॉल कर लेते हैं। व्हेन ऑप्शंस आर इन लॉगरिथमिक फॉर्म,
तो इसमें मेथड वन यूज करना है। अब देखते हैं मेथड वन क्या है। तो अगर मान लो सपोज कोई बॉडी है, बॉडी बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर जो है 70 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉडी से कप ऑफ टी और ठंडा हो रहा है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 से 60 और टाइम लगा कुछ ले लेते हैं से 10 मिनट्स से 10 हाँ, और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग कुछ ले लेते हैं अभी है ना, तो टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग ले लेते हैं से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चाय पड़ी हुई है, चाय को 70 से 60 तक जाने में 10 मिनट्स लगा, फिर सेम कप ऑफ टी 60 डिग्री से 50 डिग्री तक जाने में टाइम नॉट लगेगा, वो कैलकुलेट करते हैं। अब पहला गेस, फर्स्ट वी हैव टू मेक अ गेस, भाई ये बताओ कि यहाँ भी 10 डिग्री का फॉल हुआ 70 से 60, टेम्प सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 है, 10 मिनट लगे, 60 से 50 तक जाने में टाइम 10 लगेगा, 10 से कम लगेगा या 10 से ज्यादा लगेगा? 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा, ज्यादा, क्योंकि हीट लॉस कम होगा, ज्यादा ठंडी होती, फिर बाद में उसके ठंडे होने का रेट कम होता जाता है, इसलिए ज्यादा टाइम लगता है। सर ऐसा क्यों सर? वो टेम्परेचर पोटेंशियल बदल जाता है इसके कारण, सराउंडिंग टेम्परेचर बढ़ेगा, रेट ऑफ हीट लॉस ना, रेट भाई रेट से चीजें डिसाइड होंगी ना, रेट रेट जो है कम होता जा रहा है तो रेट से डिसाइड होगी, भाई रेट कम होते जा रहा है। सर मैथमेटिकली भी बोल सकते हैं ना कि रेट ऑफ हीट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, राइट? टेम्परेचर डिफरेंस। सो बट उसमें टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग तो कांस्टेंट हो गया ना, तो फिर टेम्परेचर ऑफ बॉडी जैसे इंक्रीज होगा तो रेट भी इंक्रीज होगा। डिफरेंस इज द प्रॉपर वर्ड, ठीक है। अब नेगेटिव टाइम भी तो लगा है। हां नेगेटिव से करते रुको। अब जो है पहला डेटा, फर्स्ट कौन सा है 60 से 70, तो इसके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज करेंगे। भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का टेम्परेचर्स में दिया है तो सेकंड वाला यूज कर लेते हैं। सेकंड वाला जो है द क्वेश्चन वो इसमें, अरे नहीं अंश देखो, कोई भी चीजें जो है रेट से डिसाइड होगी ना, अगर तुम्हारे खर्चे करने का रेट ज्यादा है तो तुम्हारा तुम्हारा वेल्थ जल्दी डिक्लाइन होगा। तो उसी तरीके से रेट ऑफ हीट लॉस व्हेन हायर टेम्परेचर्स पे ज्यादा होता है तो उसका जो है हायर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसका फॉल भी जल्दी होगा ना, और बाद में जो है पहले जो है हायर टेम्परेचर्स पे बॉडी इस एक्सपेरिमेंट में हायर टेम्परेचर्स पे एज कम्पेयर टू दिस, यहाँ पे रेट ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। अंश हाँ यस सर, यस आई गॉट इट, थैंक यू सर। ओके अब भाई ये वाला टेम्परेचर्स इन्वॉल्व है तो इसका सेकेंड स्टेटमेंट यूज करेंगे, और ऑप्शंस देखा हमने, ऑप्शंस लॉगरिथमिक फॉर्म, तो ये वाला मेथड वन। अब मेथड वन क्या देखते हैं भाई, तो आई एम आंसरिंग हिज क्वेश्चन, एक स्टूडेंट ने जो पूछा था कैसे सॉल्व करना है, तो क्या था द लॉ इज dt / dt इज - c टाइम्स t - t नॉट, भाई कहां गया dt / dt - c टाइम्स t नॉट कहां गया 25। चलो अब जो है इस सो व्हाई t नॉट t - 25 ना, अरे भाई सॉरी यार, हां यस सर, माइनस 25 माइनस सी डी टी, ठीक है। अब लिमिट सकते हैं सर, जब एक्सपेरिमेंट ये वाला एक्सपेरिमेंट में पहले एक्सपेरिमेंट वन, इन द एक्सपेरिमेंट वन इसको टाइम इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, हाँ एक्सपेरिमेंट वन के लिए टाइम इक्वल टू जीरो, एक्सपेरिमेंट टू दो एक्सपेरिमेंट है ना यहाँ, तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए टाइम इक्वल टू जीरो, टाइम इक्वल टू 10 मिनट्स लगा यहाँ तक, सेकेंड वाले के लिए इसको जीरो करेंगे फिर उसको निकाल, रुक जाओ। अब इनिशियली टाइम जीरो 70 डिग्री सेंटीग्रेड 10 मिनट्स और टेम्परेचर कहाँ गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अदिति व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस dt अपॉन t माइनस 25 ln ऑफ t ln ऑफ t ln ऑफ t ln ऑफ t माइनस 25 स्क्वायर ब्रैकेट्स और ये इधर क्या आ जाएगा c इनटू 10 मिनट्स। सर इट्स नॉट विजिबल, नॉट विजिबल, एक मिनट जस्ट एडजस्ट द स्क्रीन टू द बॉटम अ बिट, ओके बन बेटा। तो इसमें जो है सर आपने ऊपर ले लिया, यस आई विल राइट भाई, इसका इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा ln of t माइनस 25 स्क्वायर ब्रैकेट्स इधर क्या जाएगा c इनटू 10 मिनट्स क्या जाएगा,
फिर माइनस साइन नहीं लिखते हैं, लिमिट स्वैप कर लेते हैं. दिस विल बी 60, दिस इज 35. अरे ये क्या कर रहा हूँ, 60, 70. हाँ सर, कैलकुलेटर में नहीं लेंगे सर. आपने उल्टा लिखा है. कौन सा 60 लास्ट है. माइनस साइन से लिमिट स्वॉप कर दी. अब फिर यहाँ पे ले आओ, 70 माइनस 25 कितना हो जाएगा, ln ऑफ 35. और ये वाला ये कितना हो जाएगा, ln ऑफ 45. सर 45 माइनस 35. चलो ये आ गया भाई, तो इसको लिख लो सी 10 मिनट्स ln ऑफ कितना हो जाएगा, 9 by 7. फर्स्ट डेटा, सेकंड डेटा. अब सेकंड डेटा से जो है सेम ऐसे ही लिखोगे, यही आएगा. राइट हैंड साइड में क्या जाएगा, सी इंटू टी नॉट मिनट्स में. लेफ्ट हैंड साइड में अभी लिमिट्स क्या होंगे यार, यहाँ पर 50 हो जाएगा ना, 60 ऊपर, 60 ऊपर, 50 नीचे. ओके, ln 35 माइनस ln 55, तो c t नॉट मिनट्स में आ रहा है, t नॉट. तो ln ऑफ 7/5, इसको लाके इसके नीचे रख देते हैं, ये वाला यहां रखा नीचे, ln ऑफ 9/7 C to 10 minutes, फिर दोनों को डिवाइड करते हैं. C गया, T minutes में आ गया, तो what will be the final answer? 10 times. 7/5. Log of 7/5 to the base 9/7 आ जाएगा, right? यार ये वाला, हाँ मतलब जैसा वो इसका boost हो गया मैं. क्या होता है ये वाला? सर बेस e कैंसिल हो जाएगा, तो सर log of 7/5 टू द बेस 9/7 हो जाएगा. यस, ये आंसर हो गया मेरा, है ना सर? बस थोड़ा स्क्रीन एडजस्ट करो ना. ओके स्क्रीन, हां सर ऑनलाइन दिख रहा नीचे वाला. एक मिनट, हां तो भाई इतना कॉपी करो पहले. आंसर ये हो जाएगा भाई 10 टाइम्स दिस वाला. तो ऑप्शंस में, अगर ऑप्शंस लॉगरिथमिक फॉर्म में है तो फर्स्ट मेथड ठीक है. हर जगह डेल्टा टी इन्वॉल्व है, यहाँ केल्विन में भी करोगे ना तो वही आएगा ना यार, डिफरेंस अल्टीमेटली तो डिफरेंस ही लेना है ना. अच्छा ओके ओके, तो वहां पे t नॉट में सराउंडिंग टेंपरेचर थी. ओके t नॉट सराउंडिंग है ना. यस यस सर, नोट भी कर लिया, स्क्रीनशॉट भी ले लिया सर. यहां हम इसे ln को वैसे नहीं लिख पाएंगे जैसे एक इंसान ने बोला ना सर कि 7/7 कैंसिल करके. अरे वो फिर वो तो तुमने देखना ना मैथ्स, मुझे यहीं तक आता है फिजिक्स. ओके सर. सर 13.39 मिनट्स. एक मिनट, हाँ इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताना कितना आता है. हाँ सर 13.39 आया उसको. 13.4. यस सर. अब जो है सो कैन आई रेज दिस वन फर्स्ट मेथड सपोर्ट ऑन वन सो पर इस वाले में जो डेल्टा टी है वो तो टी सराउंडिंग से कंपेरेबल ही है ना. देख हां डेल्टा टी 10 केल्विन है, सराउंडिंग वाला 273 प्लस 25 290. ओके सॉरी सर. चलो ये साइड का कैन आई रेज, राइट साइड का. यस सर. हां सर ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा सकते हो. So, पहला हमने डिस्कस किया व्हाई वी आर स्टार्टिंग, फिर हाउ टू अप्लाई. अब अप्लाई करने के बाद फिर उसको सॉल्व कैसे करना है ठीक है. तो वन स्टूडेंट
तोड़ना कि कैसे इसको सॉल्व करना है, अगर तो कैसे सॉल्व करना है पहले ऑप्शंस देखना है, ऑप्शंस आ रहे हैं लॉगरिथमिक फॉर्म तो ये वाला, अब सेकंड मेथड हां सर कर दो रहा ओके भाई सेकंड वाला एवरेज मेथड ओके भाई एवरेज मेथड के लिए एवरेज मेथड में जो है अब हाँ एवरेज मेथड सेकंड वाला अगर ऑप्शंस लॉगरिथमिक फॉर्म में नहीं है प्रॉपर वैल्यूज गिवन है आंसर तो आंसर इन प्रॉपर वैल्यूज विदाउट गिविंग वैल्यू ऑफ लॉग लॉग की वैल्यूज गिवन नहीं है और प्रॉपर वैल्यू के साथ आंसर दिया है तो कैसे सॉल्व करना है एवरेज मेथड भाई एवरेज मेथड देखते हैं डीटी चेंज इन टेम्परेचर पहले वाले डेटा के लिए तो फर्स्ट डेटा के लिए कितना है डीटी यहां पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 10 होगा अपॉन टाइम कितना है पहले वाले डेटा के लिए 10 मिनट्स हो गया भाई ये वाला और ये माइनस सी माइनस सी और टी माइनस टी नॉट टी नॉट क्या है 25 अब देखो यहाँ पर टी इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और टेम्परेचर ऑफ द बॉडी खुद वेरी कर रहा है भाई 70 से 60 के बीच में वेरी कर रहा है तो ना 70 लेंगे ना 60 लेंगे बल्कि क्या लेंगे हम उसका एवरेज एंड वाई वी आर टेकिंग अभी रुक जाओ पहले तो प्रूफ बाकी है और ये क्यों ले रहे हैं इसका भी एक्सप्लेनेशन आएगा पहले वाला सीखो सेकंड डेटा के लिए डेल्टा टी कितना है सेकंड डेटा के लिए 55 वेरी कर रहा है ना 60 लेंगे ना लोअर वैल्यू 50 लेंगे बल्कि एवरेज लेंगे 55 अब दोनों को डिवाइड करो देखो दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये और ये क्या तो टी नॉट बाय 10 मिनट यार ये कितना आएगा ये वाला 40 बाय 30 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी वाली सर 13.3 जैसा दिया है ना चार ऑप्शन जैसे दिया उसको मैच करना है ना एग्जामिनर क्या चाहता है उसकी सोच को पकड़ना है ना हमें सर तो ज्यादा एक्यूरेट फर्स्ट वाला होगा ना फर्स्ट वाला ज्यादा होगा लेकिन हमारे पास इन द एग्जाम भाई हमारे पास अगर उसने वैल्यूज लॉग में दिया है हम उसे वहां से कैसे उसके कैसे आर्ग्यू कर सकते हैं है ना तो लॉग्स जैसे ऑप्शंस लॉग में दिया है तो हम उसकी सोच को देखेंगे कि व्हाट इज थिंकिंग व्हाट ही इज ट्राइंग टू गेट फ्रॉम अस सो ही इज ट्राइंग टू गेट लॉगरिथमिक आंसर्स फ्रॉम अस सो हम वैसे वाला करेंगे ओके सर कॉल इट सर इंटीजर टाइप हुआ तो फिर सेकंड मेथड करेंगे Integer type हुआ तो they will give you the value of log. Okay. And if they give you the value of log, so method one. Sir, क्या method two, method one का भी एक थोड़ा approximation है क्या कह सकते हैं sir? Yes, yes, हाँ approximation. Sir, तो आपने method two में ऐसा क्यों लिखा है value of log will be given? अरे नहीं, क्या नहीं not given without giving value of log. Okay. Answer the full value. Without giving the exact answer, value of log. Log ki value given nahi hai, but okay, na? Noted. Yes. Yeah, everybody understood. Is it got out? Manvi understood? Yes. Okay. Ab jo hai, ab aate hain bhai proof pe. Can I raise this one? Yes, sir. Yes, sir. I've already taken the screenshot. You may. So,
So we are trying to study the जो है सॉल्व प्रॉब्लम्स वेयर टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल. टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन इज स्मॉल एज कंपेयर टू टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इन केल्विन. अप टू ठीक है प्रूफ ऑफ लेट अस स्टॉप. सो इट्स एन एप्रोक्सीमेशन ऑफ स्टीफन्स लॉ. तो स्टीफन्स लॉ से स्टार्ट करना पड़ेगा. भाई स्टीफन्स लॉ क्या क्या स्टेटमेंट है? डीक्यू लॉस बाय डीटी यहां तक तो आ ही जाएगा. सिग्मा ई ए टी टू पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4. ठीक है अब जो है भाई टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज टी नॉट प्लस डेल्टा टी. डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल. Delta T is very small as compared to the temperature of the surrounding. So this is small as compared to this. So हम इसको ऐसे लिख रहे हैं भाई ये वाला. T is equal to T naught common लिया 1 plus delta T by T naught. जयशंकर इसके बाद क्या करना है? Left hand side में लेके जाएंगे binomial approximation लगाएंगे. इसके बाद binomial approximation ये delta t small delta t by t naught will be even smaller. So ये form आ गया 1 plus x to power n. So 1 plus nx. T to the power of 4 mention नहीं किया हमने. कहोगे क्या? T to the power of 4 हमने mention नहीं किया brackets में. बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन है. ओ अच्छा अच्छा ये बाइनोमियल है. ठीक है ठीक है ये ना ये और से सो अब जो है डेल्टा टी और डेल्टा टी की जगह टी माइनस टी नॉट रखते हैं. तो ये वाली वैल्यू सिग्मा ई ए 4 टी नॉट क्यू माइनस टी नॉट डी क्यू बाई डी टी लॉस भाई ये वाला हो गया कॉन्स्टेंट के. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया ना. फर्स्ट स्टेटमेंट आ गया. तो फिर वही फिर उसके बाद तो आपको पता है एम एस डी टी बाई डी. सर अभी हमने जो एग्जाम्पल किया था उधर तो डेल्टा टी कुछ 40 रखी में था ना स्मॉल का था. ये डेल्टा टी जो है 10 डिग्रीज का था ना 10 केल्विन का और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग 298 था. सर टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस सराउंडिंग करना है ना डेल्टा टी के लिए. डेल्टा टी जो है फॉल इन टेम्परेचर. तो फॉल इन द टेम्परेचर कितने का हुआ? 10 डिग्रीज का हुआ था पिछले वाले प्रॉब्लम में. यस सर. तो 10 डिग्रीज फॉल चेंज सेम एज 10 केल्विन. ओके ओके और सराउंडिंग का कितना है 225 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 290 केल्विन. हां सर समझ गया. सर आपने यहां पे डेल्टा टी इक्वल टू टी माइनस टी नॉट लिखा है. यस टी नॉट तो टेंपरेचर ऑफ फाइनल टेंपरेचर ऑफ बॉडी है या टेंपरेचर ऑफ सराउंडिंग है? टी नॉट इज द टेंपरेचर ऑफ द सराउंडिंग. टी इज द टेंपरेचर ऑफ द बॉडी. But then sir, delta T is very small. मतलब delta T मतलब final minus initial ना of the body. हाँ sir वही है. उसमें confusion हो रहा है sir थोड़ा. नहीं जो है change in जो होगा body का change temperature का change है ना. नहीं देखो ना initially जो है यहाँ पर fall. इसमें fall कितना आएगा? एक बार fall आएगा फिर दूसरे बार मतलब जो values की temperature of the body और जो तो 60 से कहाँ तक जाना है? चेंजिंग द टेंपरेचर ऑफ द बॉडी वही होगा ना. 60 से 50 जाएगा तो 10 का ही तो चेंज होगा. सर आपने जो लास्ट एग्जांपल अभी हम लोगों को बताया था उसमें 70 था 70 से 60 जा रहा था एंड टेंपरेचर ऑफ सराउंडिंग वाज 25 डिग्री. तो इस तो अभी हम करेंगे तो टी नॉट इज टेंपरेचर ऑफ सराउंडिंग. टी नॉट इज टेंपरेचर ऑफ सराउंडिंग. हां हां तो सर
इसको 290 आप लिखोगे, इसको 298 लिखोगे, यस 298 टू पावर 4। नहीं सर, अगर हम या तो दोनों को केल्विन में रखते हैं, दोनों को सेल्सियस में रखते हैं, तो अगर नहीं डिफरेंस केल्विन में रखो ना, और डिफरेंस और हम देख रहे हैं कि बाद में चेंज तो जो है केल्विन में ही है, ये भी आएगा डिफरेंस तो केल्विन सर, लेकिन वो तो सर एक बार आप लास्ट एग्जांपल से कंपेयर कर दो ऐसे। फाइनल टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 323 टू पावर 4 माइनस 298 टू पावर 4 और बीच में ऐसा वेरी मत रहेगा, तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज जो हुआ है 323 से 323 हुआ ना, सर वो डेल्टा टी फिर टीएफ माइनस टीआई होगा ना, डेल्टा टी को बोल रहे हो सर, स्टेट पे आपने लिखा है, यस सर, मतलब temperature of body final or minus temperature of body initial sir, apne body ka temperature khud bhi varying hai na sir, isliye jo change jo hua finally final body ka change dekhenge to kitna hoga, matlab jo bhi hai 70 se 60 10 ka hi to hoga, yes sir, aap 70 se 60 bol rahe ho, wo aap temperature of body ka difference dekh rahe ho, par yahan pe aapne surrounding likha ha, डेल्टा टी अपॉन टी नॉट छोटा है ना, डेल्टा टी तो इतना छोटा है, बोले टी नॉट सराउंडिंग का है तो डेल्टा टी अपॉन टी नॉट, हाँ वही तो लिया ना अपन ने, बोल बोला ना डेल्टा टी छोटा है ना, इसलिए तो डेल्टा डी इज स्मॉल एज कंपेयर टू सराउंडिंग ना सर, एप्लीकेंट बोले डेल्टा टी नॉट सराउंडिंग का टेंपरेचर लिया तो सर टी फिर हम लोग बॉडी का लेंगे तो बड़ा डिफरेंस हो जाएगा सर, इसके कंपैरिजन में ये वाला कंपैरिजन मतलब उसको बाय रेशियो लेंगे तो छोटा वैल्यू आएगा ना, मैं वही तो बोल रहा था, आप बोले कि डेल्टा टी स्मॉल में बोल, ओके ठीक है Sir, just a general doubt while solving the questions. I also had this doubt all the time. Like for temperature, do we always have to take the measure in Kelvin? Temperature में best होगा Kelvin से. हाँ देखो, अभी भी अगर तुम्हें थोड़ा सा भी doubt है तो Kelvin से करो. लेकिन differences में you will find that कि temperature का difference Kelvin में और centigrade में एक ही बात है. Okay sir, thank you sir. Sir, क्या आप अभी से difference in temperature of final minus initial उसे delta T और difference in temperature of body and temperature of surrounding जो है उसे T dash या कोई दूसरे symbol से denote कर सकते हो, क्योंकि आप दोनों को swap करके कर रहे हो और confusion create हो रहा है, मतलब डेल्टा टी यूज करो एक जगह डेल्टा टी इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एंड इन वन प्लेस डेल्टा टी इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन ना जो जो डेल्टा टी है विद रिस्पेक्ट टू जो भी है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग का वैल्यू वो छोटा ही हो गया ना, तो जैसे यहाँ पर ये वाली वैल्यू में उतना डिफरेंसेस नहीं आएगा ना, ये अप्रोक्सीमेशन में जा रहा है सर, फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं, मतलब जब उसमें अगर आप कुछ दूसरा नोटेशन यूज करोगे तो मतलब ऐसा कंफ्यूजन नहीं आएगा, ओके यू वांट टू चेंज राइट साइड, राइट साइड उसको चेंज करना चाहते हो क्या सर, यू वांट शुड आई डेल्टा डी एस डेल्टा टी सर, आप एक बार टी नॉट के आगे टी नॉट इज टेंपरेचर ऑफ सराउंडिंग राइट, टी नॉट इज टेंपरेचर ऑफ सराउंडिंग, हां तो सर आपने जो राइट साइड में पहली लाइन लिखी है वहां पे आप टेंपरेचर ऑफ सराउंडिंग पर लिख दोगे तो कंफ्यूजन हो रहा है अभी भी मेरे को, यहाँ पे कहा टी नॉट टेम्परेचर सराउंडिंग ना, तो एक बार सर प्लीज देखो, हाँ सर, और सर टी इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी,
अब सर इधर आप बोल रहे हो डेल्टा टी इज बॉडी माइनस सराउंडिंग एंड वहां पे आपने बोल रहे टेम्परेचर डेल्टा टी इज टी एफ माइनस टी है मतलब बॉडी का ही फाइनल और इनिशियल सर ये दोनों सेम कैसे हैं डिफरेंट है ना ये तो नहीं जैसे ये जो चेंजेस आएंगे ना बॉडी का और सराउंडिंग का डिफरेंस ना बॉडी का और सराउंडिंग का डिफरेंस जो लोग है या फिर उसमें क्योंकि अल्टीमेटली हमने इसे क्या है इसे कांस्टेंट में लाना है इसे कांस्टेंट्स में लेके रखना है हमने है ना तो ये चेंज जो है इसके रेस्पेक्ट में चेंज या फिर बॉडी का जो चेंजेस है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसलिए हमने उसको ऐसा लिख लिया सर पर हमने जो भी एग्जांपल्स किए तो उसमें तो डिफरेंस आ ही रहा था ना मतलब TF minus TI was only 10 degrees and body minus surrounding was 50 degrees. जो last example हमने किया था। हाँ सर वही सर। नहीं नहीं अगर उसको मान लो जो है फिर उसको अगर कि मान लो इसमें देखेंगे केल्विन में कन्वर्ट करके देखोगे मतलब you are saying कि किसके किसके बीच का डिफरेंस? सर आपने यहाँ पे लिखा ना डेल्टा टी तो बॉडी माइनस सराउंडिंग एंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी फाइनल माइनस टेम्परेचर ऑफ बॉडी इनिशियल सर इनका डिफरेंस इस इक्वेशन के हिसाब से सेम आना चाहिए पर आ नहीं रहा है ना ओके यू आर सेइंग कि ये वाला जो वैल्यू है इसको किससे रिप्लेस करने के लिए बोल रहे हो उसको सर मैं बोल रहा हूँ डेल्टा टी शुड बी टी एफ बॉडी माइनस टी आई बॉडी इट शुडंट बी टी माइनस टी नॉट टी एफ वाला लिखना चाहते हैं उसको टी एफ बॉडी माइनस टी आई बॉडी ना आप वही तो बता रहे थे अभी यस 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 हाँ नहीं नहीं टी एफ बॉडी माइनस टी नहीं डेल्टा टी जो है वो यू आर सेइंग कि जो उसके रेस्पेक्ट में मतलब वो वाला फॉल ऐसा है उसको लेकिन हमने जो लिखा जो वैल्यू है टी माइनस टी नॉट ही लिखा था ना जो यूज किया था कैलकुलेशन में जब भाई टी की वैल्यू क्या डाली थी टी माइनस टी नॉट ही रखी थी ना डेल्टा टी में टेम्परेचर डिफरेंस को नहीं अंश हमने उसको चेक करता हूं मैं कंफ्यूज हो रहा हूं हां एक बार देखो एक बार वैल्यूज डाल कर एक बार देखो लिमिट्स में भाई टी इक्वल टू जीरो पे हमने क्या लिखा था 70 डिग्री सेंटीग्रेड टी इक्वल टू 10 मिनट्स में 60 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा था ना टी ऑफ द बॉडी यूज कर रहे हैं वहां तो ओके ओके सर सर वो क्या बोलने की कोशिश और सेकंड डेटा में भी वैसे लिखा था स्पिन कर दोगे हां नहीं नहीं देखो उसमें क्या है कि अपन ने कैलकुलेशन करते वक्त भी वही लिया वहां पर टी ये टी ऑफ बॉडी याद है हमने लिमिट्स डाले थे पहले वाले सम में जो लॉगरिथमिक वाला फर्स्ट पार्ट था Yes, उसमें टी इक्वल टू जीरो पे 70 डिग्रीज डाला था और टी इक्वल टू 10 मिनट्स में 60 डिग्रीज डाला था ना टेम्परेचर ऑफ द बॉडी टू डाला था यस सर अंश तो सर वो बोलने की कोशिश क्या कर रहा है यस सर अंश हां सर समझ गया चलो ना अब जो है सो भाई अब इसमें एवरेज मेथड क्यों वर्क कर रहा है क्या वो वाला डिस्कस करते हैं तो उसके लिए ठीक है लाइक से कोई डेटा ले लेते हैं भाई चलो हाँ इसके एक एनालिसिस करते हैं भाई एवरेज मेथड इज वर्किंग से वी हैव अ बॉडी से ये वाला बॉडी लेते हैं से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे पड़ा हुआ है सराउंडिंग का टेम्परेचर ठीक है कुछ ले लेते हैं भाई सराउंडिंग का टेम्परेचर जब समर्स है तो सपोज 35 डिग्री ठीक है और बाकी सब डेटा गिवन है उसका मास एंड स्पेसिफिकली जो भी रिक्वायर्ड है एरिया सब गिवन है और ठीक है इसमें जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई करते हैं और अज्यूम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग टू बी वैलिड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग टू बी वैलिड और यू वांट टू फाइंड temperature of the body as a function of time. Suppose ये वाला first part. Find temperature of the body as a function of time. उसको कैसे करोगे? dT by dT is equal to minus T times T minus T. T is the temperature of the body. Temperature of the surrounding T naught is कहाँ गया? 35. इसका integration क्या होगा? dT by T minus 35 minus C dT. Initially इनिशियल टेम्परेचर इज 70 या कुछ भी रख सकते हो 70 ठीक है 70 डिग्री सेंटीग्रेड और एट एनी टाइम टी से द टेम्परेचर इज टी इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस सी इस साइड का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन ऑफ टी माइनस 35 स्क्वायर ब्रैकेट्स और ये हो जाएगा 70 80 फिर ये लॉग एल एन ऑफ
70 minus 35 minus ln of 70 minus 35 35 minus CT. फिर ये क्या जाएगा ln of a minus b t minus 35 divided by 35 और ये क्या आ गया minus CT. ये बन जाएगा e to power minus CT t minus 35 by 35. तो t is equal to 35 e to power minus CT plus 35. ये है ना guys, ये understood? ये देखो इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया t minus 35 is 35. नहीं नहीं ये की जो है एवरेज मेथड क्यों वर्क कर रहा है डिस्कस कर रहे हैं. तो इसमें दो दो टीएस 35 और 70 समझ नहीं आ रहा कौन सा. हां सब वही समझ रहे हैं. ओके जॉर्ज चलो इसको 60 कर नहीं नहीं सर नहीं सर दोनों टीएस आपने बॉडी को भी टीएस लिख दिया है सराउंडिंग को भी टीएस लिख दिया. हां सर आपने बॉडी और दोनों को टीएस लिख. हां सर चलो टीबी लिख दो टीबी टीबी एक टीएस कर दो सर. चलो ये कितना आ जाएगा 25 ये वाला कितना 25 ना और ये वाला हां सर 25 हां सर हां सर बाकी सब करेक्ट तो डिनोमिनेटर सब 25 हो जाएंगे तो फर्स्ट स्टेप में 25 हो जाएगा. हां सर 25 हो गया. चलो तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 प्लस 25 डिवाइडेड बाय e टू पावर ct आएगा. अब ये आ गया आपका टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आएगी इस फंक्शन से. टाइम t इक्वल टू 0 टेम्परेचर 60 60 आ जाएगा ना सर 60 और 60 टाइम टेंडिंग टू इनफिनिटी लार्ज वैल्यू पे 35 चलो पहले ये वाला जो है एक फर्स्ट पार्ट ये था पॉइंट टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. सेकंड पार्ट ड्रॉ टेम्परेचर टाइम ग्राफ. टेम्परेचर टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है सेकंड पार्ट. सर एक डाउट है. हाँ सर आपने जो सबसे ऊपर लिखा ln upon e वहाँ पे ln के जगह log होना चाहिए ना सर. log है क्या नाम बढ़िया वाला. हाँ सर करेक्ट बोल रहा है इसको हटा दे. ओके यू आर सेइंग कि ln लिखना है फिर e भी नहीं लिखना चाहिए सर. मैं कह रहा हूँ कि ln के जगह आपने जब आपने e मेंशन किया था उधर तब उस ln के जगह log लिखना था ना. ओके 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 डन सर. टू मिनट सर. चलो तो जा भाई अब जो है इसका ग्राफ भी ड्रॉ करो. हो गया सर ग्राफ. हाँ निश्चित ग्राफ कैसा आएगा इसका सर. वी विल स्टार्ट फ्रॉम टेम्परेचर इज ऑन वाई एक्सिस टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम 60 डिग्रीज एंड देन एट टेम्परेचर 35 डिग्री वी विल मेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस दैट इज मींस इट इज टेंडिंग टू इनफिनिटी. एक मिनट आई विल इरेज दिस वन. हां ये ना सपा हो गया साइड का. यस सर. यस सर. यस सर. फिर से बताओ. हाँ इसमें जो है टेम्परेचर टाइम 60 डिग्री सेंटीग्रेड और ये क्या है 35 तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड 30 और इनिशियली विल स्टार्ट और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके रखोगे. हाँ यस सर. और ये जो है इसका फॉल होगा एंड this 35 degree Celsius it will become an asymptote. Asymptote pe banega. So ye exponentially decreasing curve
एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग कर्व ऐसा आएगा. सो दैट मींस ये ऑल दो, क्योंकि देखो ये अगर छोटा होता, छोटे टाइम में इतना फॉल हो जाता, छोटे टाइम में 25 का फॉल होता तो कर्व ऐसा रहता, लेकिन आपने इसको प्रोलॉन्ग कर दिया कि ऑलमोस्ट ये ग्राफ कैसा दिखेगा, ये वाला ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन. और स्ट्रेट लाइन के लिए एवरेज फंक्शंस वैलिड होते हैं, एवरेज वैल्यूज स्ट्रेट लाइन के लिए. सो ये पार्ट नहीं समझा मैं, एवरेज फंक्शन, एवरेज 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 वैल्यूज का क्या? ओके ओके, एक मिनट जाओ, ठीक है फिर. हाँ एक आई हैव कैप्ट एन एग्जांपल आल्सो, ठीक है उसमें आ जाएगा, एक मिनट जाओ, आई विल आंसर यू. सर इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैक्सिमम कूलिंग सिर्फ 35 डिग्री तक ही हो सकता है, मतलब टेंडिंग टू 35. हाँ अरे भाई चाय ठंडी हो रही है तो मैक्सिमम कितना तक जाएगी? 35 तक, रूम टेम्परेचर तक जाएगी रूम से, और ठंडा नहीं होगा. सर मुझे ये नहीं समझा कि ये स्ट्रेट लाइन के अप्रोक्सेस से होगा. नहीं ना, नहीं देखो ये जो 35 डिग्री का फॉल होना है, सॉरी नहीं 35 नहीं 25 डिग्री का फॉल इज हैपनिंग इन अ वेरी लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, राइट? यस सर. अगर ये छोटे टाइम इंटरवल में होता तो कर्व मतलब कर्व जैसा प्रॉपरली दिखता, लेकिन आपने उसको खींच दिया ऐसा तो ये ऑलमोस्ट ऐसा फ्लैट जैसा हो गया ना सर. मतलब हां सर, तो इसमें जो है ये वाला ऐसा आ गया ना, या फिर इसका यार अरे भाई इसका स्लोप भी निकालोगे तो इसका स्लोप कितना जाएगा? इसका स्लोप निकालते हैं dt by dt. स्लोप कितना आ जाएगा? ये तो जीरो हो गया, और ये इसका स्लोप क्या, इसका क्या होगा यार स्लोप 25. इसको चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, e टू पावर माइनस ct डिवाइड बाय माइनस c, 25 बाय c इनटू e टू पावर ct आएगा ना इसका स्लोप. यस सर. तो जो है स्लोप इज ऑलमोस्ट जो है यहाँ इस पार्ट को छोड़ के स्लोप इज ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर सेम ऐसा सेम आ जाता है, स्ट्रेट लाइन जैसा आ जाता है. सर आपने माइनस साइन नहीं डाला लास्ट लास्ट. और स्लो और जो है लीनियर फंक्शंस के लिए एवरेज वैल्यू. हाँ अरे वैसे लिख लो ना, जैसे भाई लीनियर, हाँ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भाई देखो मास लीनियरली इंक्रीज होते जा रहा है यार यहाँ, ठीक है लीनियर फंक्शन. सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लोगे? सेंटर ऑफ, हाँ रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है और मास लीनियरली ऐसा बढ़ते जा रहा है भाई ऐसा. तो सर इंटीग्रेट करके देखना पड़ेगा, लीनियर फंक्शंस का इंटीग्रेशन में वही आधे पे आ जाता है. हाँ और इवन आई हैव टेकन वन क्वेश्चन इन इलस्ट्रेशन जिसमें जो है वाला मिड पॉइंट पे आ जाएगा. हाँ एवरेज वैल्यू और एक क्वेश्चन में भी आंसर. चलो हाँ मेरे तो ये हो गया. अब जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं यार. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सबको समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट ओके गाइस, तो अब जो है लेट अस सॉल्व सम सम्स फ्रॉम द बुक. सो यू आर सॉल्विंग फ्रॉम द बुकलेट? यस यस. हां बुकलेट इन चैप्टर एक्सरसाइज 5. ठीक है आई विल इरेज दिस पार्ट. इन चैप्टर एक्सरसाइज 5 इसमें फिफ्थ सिक्स एट ये तीनों सम करके बताओ जल्दी. फाइव इन चैप्टर एक्सरसाइज 5 में 5 6 एंड 8
सर फिफ्थ तो मैं डेड जस्ट ना अरे हाँ सेम डेट आ गया सर सिक्स भी उसी से ही हो जाएगा सेम डेट आ गया So, sir, is the theory of this chapter completed? एक बाकी ना Wien's displacement law. Sir, Wien black body radiation is also remaining. कौन सा? Wien black body radiation. हाँ हाँ वही ना Wien's displacement law करना है ना अभी. अच्छा वही है. Okay. Fifth, guys, fifth class, sixth class, fifth. Sir, sixth वाला 55 हो गया. सर सिक्स वाले में 55 कुछ ज्यादा ही मतलब कम नहीं हो जाएगा मतलब रेट मतलब अपने पास लेकिन बेस्ट ऑप्शन और कोई नहीं है ना हाँ सर तो बेस्ट ऑप्शन वही वाला लेना पड़ेगा यार सर एंड 55 लाइक बहुत ज्यादा लगता है लाइक 53 52 लाइक प्रॉपर लगता होगा टाइम ठीक है मतलब उसने फ्रेमिंग में ऐसा कर लिया ठीक है सर एंबिएंट टेंपरेचर मींस द टेंपरेचर ऑफ सराउंडिंग ambient temperature is temperature of surrounding, correct? हाँ. Fifth and sixth, किसी का doubt please ask. Temperature क्या assume करना? कौन सा? Which one you are saying? Surrounding का. और which question? Sixth का? Yes sir. सर एक में भी टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की जरूरत ही नहीं है जरूरत नहीं है सर पट्टी हो जाएगा 70 से 60 है 10 मिनट्स है ना अब जो है फॉर इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स तो इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स में फॉल जो है उसका मतलब अभी 60 से कहां तक आ रहा है ना तो 60 से जो है ये तो नहीं हो सकता ये तो ये नहीं हो सकता ना 10 का फॉल नहीं हो सकता राइट 10 और बाकी सब में तो 10 से ज्यादा हो गए तो एक ही ऑप्शन हो गया इतना कौन सा 55 वाला क्योंकि 60 से 40 70 वो ज्यादा हो गया 49.5 भी हो गया सर आपने ये कैसे कहा सर किस बेसिस पे नहीं नहीं देखो रेट ऑफ कूलिंग जो है रेट ऑफ कूलिंग विल जो है रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीजेस है ना यस सर तो यहाँ पे 10 डिग्री का फॉल 10 मिनट लग रहा है हाई टेंपरेचर्स पे तो अगले 10 मिनट में जो है तो होगा नहीं सर यस सर तो ये तीनों नहीं होंगे ना ओके सर गॉट इट गाइस 8th वाला सर उसका आंसर तो डी होना चाहिए फिर मतलब रेट ऑफ कूलिंग लो हो जाएगा ना 8 में कहां है 1 में 60 कितना है 1 मिनट 60 सेकंड्स और इन 60 से 50 के लिए पूछा है यहां पर जो है मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड का फॉल इज इन 60 सेकंड्स 10 डिग्रीज का फॉल इज इन 30 सेकंड्स अब जो है नेक्स्ट हमारे पास डेटा कौन सा है 60 से 50 यहाँ पे क्या जाएगा फिर 50 हाँ बाकी सब जो भी वैल्यू से इससे तो ज्यादा हो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 का 113 सर फॉर ए द आंसर इज गिवन एज बी द आंसर रॉन्ग नहीं रॉन्ग है क्या पास नहीं रहा हां सर मतलब वो टाइम बढ़ेगा ही ना 30 डिग्री 30 सेकंड थोड़ी रहेगा सर 30 से ज्यादा होना चाहिए ना हाँ सर ओके जब बोलते हैं
उन्होंने शायद कोई अलग आंसर दिया है। They have given it as D. 30 30 से बढ़ा ही दिया है ना 50 तो। सर B सही है, I guess. सर बराबर है सर सॉल्यूशन। करेक्ट है रोमी। हाँ सर। ज़्यादा वैल्यू है ना? हाँ 12 है। हाँ बाकी सब ऑप्शंस में या इक्वल है या लेस देन है, ये तो ज़्यादा फिट बैठेगा B वाला। नेक्स्ट 113 इस 113 का कितना आ रहा आंसर सर 2 मिनट्स मुझे 84 सेकंड्स आ रहा था ओके इसका आंसर मैच कर रहा from 344 से 342 यार ऑप्शन कुछ दिया नहीं है तो एवरेज वाला करते ना सेकंड मेथड ही करते हैं यस सर अरे अमोक तुम्हारा हो गया तो तुम्हारा फर्स्ट से भी एक बार ट्राई करके देखना क्या आएगा ओके सर सर 84 सेकंड्स आ रहा है इससे एवरेज वाले से तो मतलब 88 सेकंड्स लेना हां सर 84 आ रहा है ओके अब लॉग वाले से देखना कितना आएगा सी टाइम्स टी माइनस 293 किसी का वॉइस देखो यहाँ पे वाली वैल्यू क्या लूँ डिफरेंस ओवर सर 84.7 आ रहा है 84 आ रहा है इससे एवरेज वाले से सर माइनस 4 लेंगे ना ओके अब ये वाला कितना हो जाएगा यहाँ पर सर 120 सेकंड्स लेना पड़ेगा 70 और ये डिफरेंस कितना हो गया ये वाली वैल्यू क्या आएगी 360 70 आएगा 70 और आ गया और दूसरा वाला डेटा माइनस ना माइनस 2 बाई 3 और सेकंड 50 सी सी टाइम्स 343 माइनस 290 अब इससे टी नॉट की वैल्यू कितनी आती है 84
उन्होंने 88 दिया है। चलो ठीक है, हो सकता है कुछ अप्रोक्सीमेशंस का या उस ये अप्रोक्सीमेशन में ऐसा आ रहा हूँ लॉग में क्लोज वैल्यू, ठीक है वही है फिर हमारे लिए। चलो हाँ, अब इलस्ट्रेशंस पीडीएफ 7 निकालो। क्लास इलस्ट्रेशन पीडीएफ 7 भाई, इसमें कौन सा कॉलम किया था हमने लास्ट, कौन सा था फोर्थ थर्ड सर फिफ्थ सर वी हैड डन फाइव सम्स फिफ्थ हो गया था सर। चलो सिक्स वाला करके बताओ जल्दी नेक्स्ट। सर अगर ऑप्शन में 80 सेकंड और 88 सेकंड दोनों दिया रहता है इसमें, तो हम लोग 84 88 लेते हैं कि 80 अरे नहीं वो ऐसा एम्बिग्युइटी क्रिएट नहीं करेगा ना उस केस में, वो जो है ब्लॉक की वैल्यू दे देगा या कुछ। हां ओके ओके सर, नन ऑफ दीज देते तो हां हां मतलब एम्बिग्युइटी क्रिएट नहीं करेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन क्लास इलस्ट्रेशन पीडीएफ 7 सिक्स्थ सम, आई विल इरेज दिस वन, ये आयुष टेकन स्क्रीनशॉट ना जरा एक मिनट सर ले रहा हूं। अंडरस्टूड दिस मेथड? यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया एंड आई अंडरस्टूड इट एज वेल। इलस्ट्रेशन का सम सिक्स सम वाला क्वेश्चन है ना, कैलोरीमीटर ऑफ नेग्लिजिबल पीक कैपेसिटी वाला, कंटेन्स 100 सीसी ऑफ वाटर। भाई इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे सिक्स सम के लिए? एवरेज मेथड। ओके न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वेरी गुड बट यू कैन नॉट कैंसिल सी हियर नो कांस्टेंट सो स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2? फर्स्ट वन सर, स्टेटमेंट 1। ओके statement 1 dq by dt loss, और ये कितना आ गया था यार, ये वाला जो है k del minus k times t minus t0 या फिर dq by dt loss minus 4 sigma e a t0 cube t minus t0, this is the value of k। सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? माइनस नहीं था, अरे यार हाँ लॉस दिखा दो माइनस। हाँ हाँ गाइस अभी सॉल्व कैसे करोगे इसको? अभी सॉल्व सिक्स सम सिक्स क्वेश्चन
अब वो उसके बाद कैसे करोगे? यस सर, सर सर के के तो माइनस के बाय एमएस वही वाला लेना है ना सर डायरेक्ट? सर आई डिड यूजिंग एप्रोक्सीमेशन आई गॉट अ करेक्ट आंसर. ओके, नहीं हाउ डिड यू डू टेल द मेथड? T minus T naught to 5 होगा. एक मिनट, you have the data. पहले पहले बार में बॉडी कहाँ से कहाँ जा रहा है? टेम्परेचर 40 to 35. दोनों ही केसेस में 40 से 35 है ना? यस सर, वो कैंसिल हो जाए. ओके, तो भाई देखो, सेम कैलोरी मीटर है, कैलोरी मीटर सेम है, फोर सेम, सिग्मा ई ए ये सेम है, और डिफरेंस भी सेम है. सर ई कैसे सेम हुआ? कौन सा ई? अरे जो एमिशन होगा वो कैलोरी मीटर के सरफेस से ही होगा ना, और कैलोरी मीटर दोनों में सेम है. तो अब दोनों का आर एच एस सेम, तो एल एच एस को सेम कर देते हैं. एल एच एस फाइनल ये क्या जाएगा? एम आई एस आई और एम एफ ऐसे. और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है यहाँ पर? 5. और टाइम कितना लगा? 5 minutes. 5 minutes. सेकंड केस में टेम्परेचर डिफरेंस 5 और टाइम t naught minutes. मास के लिए क्या इंफॉर्मेशन गिवन है सर? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ओके, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. पहले केस में तो कैलोरीमीटर का तो हटा देते हैं, कैलोरीमीटर का कुछ नहीं, तो कैंसिल हो जाएगा दोनों का. ओके, पहले केस में द वाटर, पहले केस में इट्स वाटर, हां, रो डब्ल्यू वाटर, रो डब्ल्यू इनटू वॉल्यूम एस डब्ल्यू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसको हटा दो. ये हटा दिया और नीचे बच गया 5 मिनट्स. और ये फाइनली केरोसिन ऑयल है, रो ऑफ के, वॉल्यूम सेम है एस के अपॉन टी नॉट मिनट्स. अब निकालो उसे. इसका आंसर क्या आ रहा है फिर इसमें? 2 minutes. ठीक है भाई, फिर ये सब कुछ समझ में आया तो देन सेवेंथ सम सर डायरेक्ट फॉर्मूला. ओके ओके सर, डायरेक्ट सम सेवेंथ वाला जल्दी करो. सिक्स्थ एवरीबॉडी अंडरस्टूड? किसी को डाउट प्लीज आस्क. Aditi, which sum you're doing? 6th or 7th? So 7th. 7th. Sir, aaj kaun si sum tak karna? Aaj usme jo hai, कहाँ तक आज देखते हैं? जाते हैं नेक्स्ट करो. 7 हैव यू रेज्ड दिस वन? यस सर. यस सर. ओके, 7th यू गॉट 7. यस सर. 8th में करेक्शन क्या था? एक और बार आप रिपीट कर सकते हो? 8th में करेक्शन था. अरे यार, क्या 12.5 था. ओके, ओके 8th करेक्शन था, 12.5.
सर नाइन्थ में डाउट है. नाइन्थ वाला क्वेश्चन? हाँ सर नाइन्थ वाला समझ, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पर वो वाला समझा तो ये करने के बाद. हाँ पहले ये सेवन, किसी को सेवन सबका आ गया ना, फिर एट करो. सर सेवेंथ में एवरेज वाला यूज करेंगे ना सेवेंथ के लिए? हाँ हाँ ठीक है. पर सर उसमें अजम्पशन लेना पड़ेगा, डेल्टा टी इज कंपेरेबल टू टी एटमॉस्फेयर. यस हम तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज कर रहे हैं ना. यस सर. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में अपने को तो पहला ये आ जाएगा कि लॉस इज प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर डिफरेंस. एट वाला समझ सही ना, ये आ जाएगा. इसमें राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड जो है दोनों के लिए राइट हैंड साइड ही सेम ना. हाँ दोनों के लिए आरएचएस सेम हो गया. ओके तो आरएचएस सेम हो जाएगा दोनों के लिए. आरएचएस सेम हो गया तो लेफ्ट साइड पे देखना है. अब जो है लेफ्ट साइड के लिए, तो अब यहाँ पर कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट निकालना है. ओके तो से द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर इज से एम ग्राम्स. सो इनिशियली वाटर कितना है? 50 ग्राम ऑफ वाटर. तो टोटल क्या आएगा कैलोरीमीटर का? एम और 50 ग्राम ऑफ वाटर. तो ये वाला वैल्यू इनिशियली कितना हो जाएगा? एम प्लस 50. एस डब्ल्यू टेम्परेचर कितना? 4-5. और टाइम जो लगा फर्स्ट वाले केस, कितना टाइम लगा? 10 मिनट्स. In the second case, अभी ये वाला 100 ग्राम वाटर, m plus 100, SW, wall is 5, and second case में the time is 18 minutes, ठीक है ना? अब इसमें से m निकालना है बस, right? m calculate करो. So we have computer practicals in 15-20 minutes. So can you leave us a bit early? Yes, sir. Okay, okay. What time is it now? Meeting will start at practicals, sir. So it's 1:25 now. 1:45 for meeting. Sir, you leave, 1:45, leave us at 1:30 itself because okay. Okay, okay. Exactly. Dot 1:30 we land. Okay, sir. It's 12:5, sir. Yes, इसका आंसर करेक्शन है. ओ सर तो 9 तक हो गया वो जो. सो विल यू बी डूइंग द 9th वन और नॉट? 9th ठीक है अभी हो नहीं पाएगा क्या? ठीक है गाइस फिर आज 9th अभी नहीं करते. तो ठीक है फिर नेक्स्ट 9th थोड़ा लेंथी है तो टाइम लग जाएगा. वी हैव अ लेक्चर टुमारो एज वेल. यस 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 ओके ठीक है ठीक है. सो वी कैन डू दिस टू द लेक्चर इज ओवर. यस गाइस हां जिसका इसका हां हां थैंक यू. हां इसका डाउट व्हाट इज लेफ्ट इन दिस चैप्टर? इसमें बस एक मींस डिस्प्लेसमेंट लॉ वाला बाकी है. व्हिच डिस्प्लेसमेंट गाइस? इसका ना एक और स्टीफंस जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ये तो मैंने कराया. एचसी वर्मा का प्रूफ भी मुझे याद दिलाना नेक्स्ट क्लास में ना. तो कल हो जाएगा चैप्टर का तो? यस यस डेफिनेटली. तो नेक्स्ट डाउट लेक्चर में आप क्या डिस्कस कर रहे हो? ये मुझे याद दिलाना कल नेक्स्ट क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का प्रूफ. एचसीवी जो मैं प्रूफ है वो वाला बताने को. और मींस डिस्प्लेसमेंट का कल करेंगे और ये वाला कंप्लीट कर लेंगे तो कल कंप्लीट हो जाएगा. इन डाउट्स लेक्चर, डाउट्स में जो है गाइस डाउट्स में हाँ अब तो फिर बस बाकी पूरा अपन कर सकते हैं क्योंकि एक्सरसाइज 1 और इन चैप्टर एक्सरसाइजेस तो अपन ने क्लास में ही कर लिया है. तो बाकी सर आपने एचसीवी कितना डिस्कस किया डाउट लेक्चर में? एटीजी स्पेसिफिक हीट बचा है. ओके इस बैच में कहां तक हो गया? एचसीवी हो गया. एचसीवी केडी तक हुआ है? हां सर. और डायनामिक्स एंड स्पेसिफिक हीट इज रनिंग. हां ओके तो फिर वो वाला कर लेंगे फिर. नो प्रॉब्लम सर. व्हाट्स द नेक्स्ट कंटेंट दैट यू विल बी कवरिंग अप? कुड यू प्लीज हीट ट्रांसफर से एचसीवी को होमवर्क नहीं दिया.
इसका इसका होमवर्क भी दिया है ट्रांसमिशन थी क्या है और इसमें से जो है हाँ फिर आप नेक्स्ट चैप्टर होगा फ्लूइड फ्लूइड स्टार्ट करेंगे मंडे से सो यू आर टेलिंग अबाउट अ डिस्प्लेसमेंट सर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर व्हिच डिस्प्लेसमेंट ओ वो वाला नहीं वो तो कल करेंगे मींस डिस्प्लेसमेंट लॉ विल डू टुमारो सर कैन यू मार्क होमवर्क क्वेश्चंस HCV के questions ना एक मिनट HCV and booklet also few heat transfer questions are remaining I think so अब heat transfer हाँ एक मिनट पहले तो बताओ कि क्या क्या बात exercise one में कौन कौन सा बाकी रहेगा नहीं सर exercise one तो हो गया exercise one हो गया और तीन chapter भी हो गया sir 116 बाकी exercise one का अरे यार वो वाला Wien's displacement law का है 116 ठीक है एक्सरसाइज 1 तो कंप्लीट है तो आप फिर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को छोड़ के बाकी सब कर ही सकते हैं ना तो अभी बुकलेट खत्म करना है ना बस सिर्फ फुल बुकलेट ना अब बुकलेट कंप्लीट करना है एक मिनट जाओ तुम लोग बोल रहे थे ना हीट ट्रांसफर का मार्क करना है ना और कंप्लीट करेंगे तो टेस्ट ले सर सब करना ही है हां सर ये सर अभी बुकलेट ही खत्म करना है तो कर देंगे कंप्लीट करनी है सर पैसेज पैसेज 6 हम कर सकते हैं जो आज से का है उससे एक बार देख लो ना हाँ तो वो भी कर देना 63 से 73 बचे हैं हां बीच बीच में से कुछ 10-15 बचे हुए हैं ओके यार 63 से 73 वाला पूरा करना है ओके हां तो फिर पूरा ही कर लेते ना यार एक वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ छोड़ के पूरा जहां पे वेवलेंथ वाला आता है वो छोड़ के बाकी पूरा होमवर्क ओके कितने होंगे ना उसके ओके ओके फाइन कल तो हो ही जाएगा ना हां ठीक है गाइस फिर आज इतना करते हैं फिर कल आप बुकलेट फिर हो गया कल नहीं सॉरी नेक्स्ट डाउट लेक्चर में आप बुकलेट या एचसीवी कौन से लोगे या शायद इस बैच में यार बुकलेट का एक्सरसाइज 5 मेरे को याद है लगता है इस बैच में हुआ है शायद हां सर नहीं मतलब ये जो बाकी के सम से बुकलेट के ओके 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 यू आर सेइंग कि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ठीक है अच्छा हमें की बुक का प्रायोरिटी बुकलेट ही रखते हैं ना ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्यों एचसीवी के तो मैं जितने जो इंपॉर्टेंट है वो तो क्लास में कर ही ले रहे हैं अपन यस यस सर ना और एचसीवी के मैं इलस्ट्रेशन में भी डाल दे रहा हूं तो बुकलेट करेंगे तो एक चीज जैसा पूरा हो गया ऐसा रहेगा ना नहीं अच्छा ओके सर 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 एक प्रॉब्लम है मतलब जब हम एचसीवी मैं जब एचसीवी करता हूं सर तो क्या होता है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन-कौन से क्लास इलस्ट्रेशन में हैं और कौन-कौन से नहीं है सर तो उसके लिए एग्जैक्टली क्या करें ओके मतलब क्लास इलस्ट्रेशन में सम्स ओके अगर तुम्हें यस सर कभी-कभी मतलब डबल हो जाते हैं सर इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम या फिर ऐसा कर लो ना अगर मान लो तुम्हें लगता है कि तुम्हें जैसे आफ्टर रीडिंग द प्रॉब्लम तुम्हें उसका एल्गोरिथम स्ट्राइक हो गया है ना तो फिर ठीक है अगर कि एल्गोरिथम स्ट्राइक हो गया है तो मतलब फिर तो कैलकुलेशन है तो फिर ठीक है उसको लीव कर सकते हो लेकिन एकदम नया दिख रहा है तो ठीक है फिर उसको सॉल्व करो ओके फाइन सर हेलो सर यस यस मैंने जो कहा था dt by d चेंज इन टेंपरेचर अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू माइनस c t माइनस t नॉट उधर t नॉट कांस्टेंट है तो कैन वी से क्या है कि चेंज इन टेंपरेचर अपॉन चेंज इन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर ऑफ द बॉडी नहीं डिफरेंस बोलना ज्यादा अच्छा होता है डिफरेंस बोलना ठीक है पीपल वर सेइंग दिस नहीं जैसे बट व्हेन पीपल वर सेइंग नहीं एक्चुअली क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि t माइनस t नॉट है क्योंकि जब अगर मान लो जब बॉडी का टेंपरेचर सराउंडिंग के करीब आ गया तो रेट ऑफ कूलिंग तो जीरो हो जाएगा ना उस समय है ना यस डिफरेंस के डिफरेंस बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा असली स्टेटमेंट भी वैसे ही है रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर डिफरेंस है टेंपरेचर ऑफ बॉडी नहीं यस हां
मंडे को ठीक है, हाँ मंडे को अपन फ्लूइड्स, कल कल तो हो जाएगा ना, कल तो ज्यादा पार्टी नहीं है, तो मंडे को वी कैन स्टार्ट फ्लूइड्स, क्योंकि यार फ्लैगशिप वो लोग शायद उनके लास्ट वीक स्टार्ट हो गया, दो लेक्चर्स उन लोग आगे चल रहे थे, तो दो लेक्चर्स उन लोग आगे हैं। सर हाँ, आपने वाटर इक्विवेलेंट और बॉयंट फोर्स का कॉन्सेप्ट जुड़े प्रॉब्लम्स बुकलेट में थे, वो आपने डाउट लेक्चर में कवर कर दिए हैं क्या? हाँ, वाटर इक्विवेलेंट के और इसमें मतलब इसके फ्रॉम हियर, हाँ ये किए थे ना अपन ने, और रफली कितने कब किए थे, मतलब बहुत पहले के डाउट लेक्चर में या रिसेंटली कब किए थे, मतलब अगर मेरे को रिकॉर्डिंग्स चेक करने हुए है तो वाटर इक्विवेलेंट वाले ना, वाटर इक्विवेलेंट वाले तो उसमें थे, क्या बोलते हैं कैलोरीमेट्री। Okay. जब भी कैलोरीमेट्री जिस मतलब जिस जब वीक्स में चल रहा होगा तो वो स्टार्टिंग में होंगे, जब भी कैलोरीमेट्री, पहले थर्मल एक्सपेंशन था फिर कैलोरीमेट्री था, तो उसमें यू कैन फाइंड अराउंड। और बॉयंट फोर्स रफली आपने वो कांसेप्ट कब करवाया था? बॉयंट फोर्स वाला जो है हमने थर्मल एक्सपेंशन में किया था, थर्मल एक्सपेंशन में ना कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बॉयंट फोर्स क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, उस टाइप के साउंड्स जो है पहले तो हमने उसके उसमें कराए थे, कि जो एप्लीकेशंस में किया था, फिर उसी को भी, वो भी स्टार्टिंग वाले ही टॉपिक में था ना। ओके थैंक्स अ लॉट सर। यस यस। हां सर, आप हीट एंड थर्मो के ई टेस्ट भेजोगे क्या? हीट एंड थर्मो में ई टेस्ट, हीट एंड थर्मो में ऐसे काफी सारे इलस्ट्रेशंस तो हो गए इसमें, क्योंकि अगर बुकलेट ही सॉल्व करोगे तो बहुत सारे कितने क्वेश्चंस हो गए और क्लास इलस्ट्रेशंस, सो ये दो तो बहुत बहुत बड़ा ये हो जाएगा कंप्लीट करना आपके। ओके सर। और सर रिफ्लेक्टेड रेडिएशन किस पे डिपेंड करता है? रिफ्लेक्शन तो सरफेस की प्रॉपर्टी होगी, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है ना, सरफेस में मतलब एंटर ही नहीं कर रहा है, उसके पहले ही जा रहा है तो सरफेस की प्रॉपर्टी हो गई। नहीं मैं ये कैसे कह सकता, डिटरमाइन कर सकता कि वो कांस्टेंट रहेगा या वेरी कर रहा है? एक क्वेश्चन था बुकलेट में तो वो कैसे डिटरमाइन करूंगा मैं रिफ्लेक्टेड कितना है? व्हिच क्वेश्चन इज दैट, एक सेकंड चेक करके बताता हूं सर। सर बुकलेट में कुछ टोटल 70 क्वेश्चंस बचे हैं, तो सर सारे आप कर लोगे डिस्कस? 70 बाकी हैं क्या? हां टोटल सारा मिला के। व्हाट डू यू से, करना चाहिए अपन को, कर लेंगे तो ठीक रहेगा ना, एक एटलीस्ट समय लगेगा ना कि बुकलेट पूरा हो गया है ना। व्हाट डू सजेस्ट, व्हाट डू सजेस्ट खत्म करना है ना सर बुकलेट? हां मतलब मैं, मेरे ख्याल से बुकलेट प्रायोरिटी ठीक रहेगी, अपन पहले से ही बुकलेट ही बोल रहे हैं, एक्सरसाइज 1 और इन चैप्टर हो गया, तो जो है अगर सब स्टार्ट करते हैं तो सपोज एक्सरसाइज 3-4 तक एटलीस्ट कवर ही हो जाएगा ना। नहीं यस सर, ओके वो ज्यादा ठीक रहेगा ना, और एक पूरा कम, एक कोई भी करो पूरा करो ऐसा टाइप, तो ये ठीक रहेगा ना, इस पे बैठ करना सर, टीडब्ल्यूडी के लिए हेल्प हो जाएगा। ओके सर। सर विंडो का एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा है इसमें इन डार्क? ओके योर क्वेश्चन, ठीक है एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे ना, अभी रहने दो बाकी सबको ट्राई करने दो। ओके ठीक है गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं, और किसी को कुछ डाउट नेक्स्ट आगे कर, कल तो है ही क्लास ना। हाँ ओके गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं। Thank you, sir. Thank you. Bye. Vinayak, kuch doubt tha kya tumhara? What you are saying? P by V constant. PV to power minus 1. Polytropic process, yes. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पीवी टू पावर माइनस, पीवी टू पावर एक्स के फॉर्म में आ गया ना। सर तो वो पॉसिबल नहीं होता है क्या?
पॉसिबल है ना, वो तो पॉलीट्रॉपिक है, कैसे भी हाइपोथेटिकल पॉसिबल है, मतलब उसको कर सकते हैं ना रियल लाइफ में सर, क्योंकि वो एक बुकलेट में क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 2 का 27th क्वेश्चन, प्रेशर वॉल्यूम नहीं 27th है, प्रेशर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस बोथ इंक्रीज इन द प्रोसेस, सच अ प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता है ना, अच्छा ओके सर, क्योंकि उस आंसर में ए भी दिया हुआ है, ठीक है ओके सर, ओके गाइस बाय।